कैसे हो सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम मैं दिखाने वाला हूँ आपको भाई लोल, मतलब लोल। आज के इस वीडियो में भाई सभी पचकांड दिखाने वाला हूँ। आज मेरे साथ बहुत सारा पचकांड होने वाला है, शुरू करते हैं। देखो भाई, पहली पचकांड यह है कि सभी टीममेट एक ही घर में आ जाते हैं और मैं दूसरे घर में चले जाता हूँ, और दरवाज़ा खोलते ही बूम बैंग, देख लो यार क्या हो जाता है। सरप्राइज मदरफकर। इस घर में पहले से एक बंदा खड़ा हुआ था, वो भी M416 लेके। तो मैं भाई चड्डी पकड़ के भागने लगता हूँ इधर से दूसरे घर के लिए। वो भाई इतना ज़ोर से भागता हूँ कि भाई रुकता ही नहीं हूँ। और दूसरे घर में जा इस घर में जैसे एंट्री लेता हूँ, मुझे 6x हेलमेट और ड्रिंक मिल जाती है, और ऊपर भाई M416 मेरे लिए वेट कर रहा होता है, और एक शॉटगन मिल जाती है। तो फटाफट लूट के मैं चलता हूँ नीचे, और ये देखो भाई दो बंदे लड़ते रहते हैं, और भाई मुझे अभी देखो दोनों नॉक दिखाई देते हैं। मैं इन दोनों को पेल के किल चुराना चाहता था, और देखो क्या हो जाता है। रुको जरा, सबर करो। मैं अपना स्कोप खोलता हूँ और मारने लगता हूँ, तो मेरे को ही कोई पेलने लगता है। बहुत तेज हो रहा है, और देखो भाई क्या ही लोल हो गया। और इसके बाद मुझे एक टिंगू मिल जाता है, और उसके बाद अगल में एक मिंगू मिल जाता है। तो मैं इन टिंगू मिंगू को मारने लगता हूँ बाद में। क्या करते हैं भाई, एक दो किल तो मिस हो गए, तो इधर दो किल मिल गए। ये दो टिंगू मिंगू के पेलने के बाद मुझे और एक बंदा दिख जाता है, और वो हमारे तीसरे नंबर नॉक वाले बंदे को मारते रहता है, और हम उसको भी मार देते हैं, और वो नॉक पड़ा रहता है, और मैं तीसरे बंदे को बचाने जाता हूँ। अभी देखो क्या हो जाता है लोल। जैसे ही मैं मेरे पार्टनर को बचाने जाता हूँ, और दो परिंदे आ जाते हैं उधर मेरे किल चुराने, और भाई खुद ही नॉक हो जाते हैं, देख लो कैसे। तो देखो भाई ये वाला बंदा मेरा किल चुरा रहता है, और खुद ही किल हो गया। अब दो परिंदों में एक तो नॉक कर दिया था मैंने, और दूसरा उधर था, और मेरे पास सिर्फ 18 बुलेट्स थे। तो मैं सोचा भाई जाऊँ क्या नहीं, और मेरे पास हेल्थ भी नहीं है, आप देख ही सकते हो। तो मैंने कैसे भी करके सोच लिया कि किल कंफर्म करना ही है, तो मैं चल पड़ता हूँ धीरे धीरे से उनको किल कंफर्म करने में। और मेरे पास सिर्फ 18 बुलेट्स थे, और मुझे नीला वाला बंदा दिख जाता है, और मैं उसको 18 बुलेट्स में ही नॉक कर देता हूँ। आज किस्मत मेरे साथ है। नॉक करने के बाद अभी किल कंफर्म करना ज़रूरी था, तो मैं शॉटगन उठाता हूँ और चल पड़ता हूँ। और शॉटगन का एक गोली लगते ही हाँ भाई लोग तीन गोली लग जाती है, एक कभी कभी मिस हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो फटाफट से इन शॉटगन से पेल के इन दो बंदों को मैं भाई उनका लूट ले लेता हूँ, और उस लूट क्रेडिट में भाई स्कारल मिल जाती है। वाह यार क्या ही लोल है, उस स्कारल के साथ बुलेट्स भी मिल जाती है। तो मैं फटाफट बुलेट्स वगैरह लूट के मैं आगे चलता हूँ। जैसे मैं इस बिल्डिंग में आते हैं, हमारे पार्टनर बताते कि ऊपर एक कैंपर बैठा हुआ है। तो कैंपर भाई बहुत ही डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास वेस्ट भी फर्स्ट लेवल का था, और हेल्थ भी बहुत कम था, इसलिए मैं आगे बढ़ने की सोचा नहीं, मैं एक पार्टनर को जाने दिया। तो भाई वो जाते ही वो खुद नॉक हो जाता है, जाते ही वो कैंपर के हाथ से पिट जाता है। तो मेरा दूसरा पार्टनर भाई ये जोश में चला जाता है और उधर छिप जाता है। और हम भाई प्लानिंग वाइनिंग करके सक्सेसफुली इस कैंपर को मार देते हैं कैसे भी करके। कैंपर से मैं M416 ले लेता हूँ, और मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। आगे बढ़ने के बाद एक इस घर में एक बंदा दिख चुका था मेरे को, और इस बंदे को मैं मारने की सोचता हूँ, और उसको एक मारने भी लगता हूँ, और तभी मेरे पार्टनर आके उसको मार देते हैं। तो ए बी किल मेरे हाथ से छूट जाता है। भाई आज सुबह से मेरा किस्मत ही ख़राब है, सभी किल्स छूट रहे हैं मेरे हाथ से। अभी भाई उस कैंपर का पार्टनर आ जाता है ड्रॉप लूट के। भाई ड्रॉप लूट के आ चुका है बंदा, पर अभी देखो हम उसको कैसे पेलते हैं। बचने की बहुत कोशिश करता है पर बच नहीं पाता है, शायद वो बंदा मुझे अभी तक नहीं देखा है, इसलिए वो छुपने की कोशिश करते रहता है। और मैं धीरे से जाके पीछे से उसको बूम बैंग कर, इस बार शॉटगन के निशाना सटीक लग जाता है, और वो बंदा नॉक पड़ जाता है। और फटाफट से उसका किल कंफर्म करने के बाद मुझे AWM मिलने वाला था भाई, इस AWM। और गाइस AWM मिलने के बाद तो अभी तो तबाही मचाना ही है। अब AWM गिल्ली सूट 6x वगैरह सभी लूट के भाई मैं तो चलता हूँ। इधर से जाना ज़रूरी था क्योंकि उनके पार्टनर्स आ सकते थे, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर जाके बैठ जाता हूँ, उनके पार्टनर्स आए और मैं उनको पेल दूँ। जैसे ही मैं
ऊपर आता हूँ तो मुझे एक बंदा दिख जाता है। Wait a minute. Who are you? तो हम इस बंदे को पट्टा साइड शॉट लगा देते हैं और वो नॉक हो जाता है। उसी टाइम पर और एक बंदा आ जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जिगल दे रहा था। इसी टाइम पे मेरे पार्टनर पे कोई हल्ला बोल देता है तो उसको बचाना जरूरी था तो मैं उधर चला जाता हूँ, तो मुझे उधर और एक बंदा देता है, उसको भी पट्टा साइड शॉट लगा। योर टीममेट कुमार नौकड़ भाई, लोग मैंने हेडशॉट लगाया और किल इसको। ये भाई ना इंसाफी है भाई, ये पबजी लाइट वाला ऐसे क्यों करते हैं भाई, क्या ही लोल है भाई। शॉट मेरा और किल उसका। इस पचकांड के बाद हमारे साथ और भी बहुत सारे पचकांड हो जाता है। देखो अभी एक बंदा खिड़की से मुझ पे रश कर देता है और एक स्क्वाड आ जाती है हम पे रश करने में, और भाई जोन भी हमारा साथ नहीं देता है। और किस्मत इतनी ख़राब है कि सिर्फ मेरे पास 11 बैंडेज बच चुके थे। अभी देखो भाई गेम प्ले में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। खिड़की से आता है एक बंदा और वो मेरे हाथ से नॉक हो जाता है, और भाई तभी उस टाइम पे मेरे पार्टनर्स पे कोई रश कर देता है तो मैं जाके उनको पेल देता हूँ। देखो अभी कैसे पेल देता हूँ उनको, सभी को पेल के मैं एक प्रो बंदे की तरह उसको रिवाइव करने लगता हूँ। अभी देखो भाई क्या हो जाता है। सारे बंदों को पेल के भी हमको चिकन डिनर नहीं मिलता है। तो गाइस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर हमेशा करते रहो मेरे भाई लोग।